मध्य प्रदेश में किसान कर्ज माफी को लेकर प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री और मौजूदा कृषि मंत्री आमने सामने हैं। सूबे के कृषि मंत्री कमल पटेल ने स्पष्ट करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने किसानों से कर्ज माफी का कोई वादा नहीं किया था, वो कर्ज माफी के बजाय किसानों को सशक्त बनाएंगे। वहीं उनके इस बयान पर पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने पलटवार किया है। देखिए खास रिपोर्ट। नहीं, कमलनाथ जी ने 10 दिन में कहा था कि कर देंगे, हम क्यों करेंगे? ये कमलनाथ जी से पूछो, हमने नहीं कहा था किसान का कर्जा माफ का। हम किसान को सशक्त बना रहे हैं, आत्मनिर्भर बना रहे हैं। हम किसान का भी सुनिए, आजाद भारत में एक महीना हमने तारीख बढ़ाई है बीमा की। इस साल देखिए, जिंदा व्यक्ति होता है उसका ही बीमा होता है, पहले टेस्ट करते हैं, है ना। गाड़ी भी होती, फिटनेस होती जब बीमा होता। हमने मरी फसल का बीमा किया है, एक महीना तारीख बढ़ा के घर घर जाकर, और रविवार के दिन भी बैंक खुलवाया है। आजाद हिंदुस्तान में किसानों के लिए रविवार के दिन भी नेशनलाइज बैंक सब खुली मध्य प्रदेश में, ये बीमा कराया। ये है शिवराज सिंह चौहान की सरकार, भाजपा की सरकार, कमल के फूल की सरकार, किसानों की सरकार। हम जो कहते हैं वो करते हैं। देखिए, ये तो हम मानती था, मैंने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता में ना पहले कभी किसान था, ना आज है, ना कभी भविष्य में होगा। मुझे मालूम था देर सवेर कृषि मंत्री और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये नया कृषि कुछ आएगा, लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से मैं मध्यप्रदेश के अन्नदाता किसान साथियों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि पुनः आप सबके आशीर्वाद से कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। कमलनाथ जी हमारे प्रदेश का नेतृत्व दोबारा संभालेंगे और सरकार बनेगी, और सरकार बनने के बाद जो भी हमारे किसान साथी जो फसल से वंचित रह गए हैं उनका दोबारा ऋण माफ करने का काम करेंगे। लेकिन साथ ही साथ आप तमाम किसान साथी जो ये भारतीय जनता पार्टी ने जो भूखा करा है आपके साथ में, और जिस प्रकार से बेशर्मी से ये जो फसल ऋण माफी को आगे लागू करने के लिए इनकार कर रहे हैं, इनको भी आप निश्चित रूप से आप सबको मिलकर देखा।